नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा दसम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 लोकतंत्र के भाग 4 में लोकतंत्र के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लोकतंत्र के अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। देखिए, लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि और विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में वो समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों और आवेगों से चालित होता है। मतलब जैसे उसको संवेग मिलते हैं, आवेग मिलते हैं, उनके अनुसार ही वो कार्य करता है। इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है, मताधिकार था यानी मत देने का अधिकार, तो हमें व्यवहार में वास्तविकता में वो लोकतंत्र की जगह क्या नज़र आता है, भीड़ तंत्र नज़र आता है। अब ये बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। मतलब बुद्धिजीवी का मतलब शिक्षित वर्ग उदासीन रहता है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा क्या करते हैं, संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में ये दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे एक कदम भिन्न है, यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं लोकतंत्र के अंदर, वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, यानी सबसे पहले अपने स्वार्थों को पूरा करने की सोचते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। मतलब स्वयं के हित को, स्वयं के स्वार्थ को क्या बताते हैं, वो राष्ट्रीय हित बताते हैं और उसका प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। चौथा है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता ब्रह्मपूर्ण है। देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, चुनाव लड़ सकते हैं, मताधिकार का प्रयोग है, संगठन बना सकते हैं और समानता का अधिकार भी देता है। किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता। राजनीतिक स्वतंत्रता तो और समानता तो प्रदान करता है, लेकिन आर्थिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। तो इसके अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन हो जाती है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के अभाव में उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं। धनिक यानी जिसके पास पैसा है, अमीर व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति ही चुनाव के अंदर भाग लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। वे अपने धन की शक्ति और प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वो कानून भी ऐसे बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। देखो, जब धनिक वर्ग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत कर भी वही जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो वो कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, वो ऐसे कानून और नियम बनाएंगे जो धनिक वर्ग के हित में हों। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता लगभग अर्थहीन हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। अगला है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखिए, लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं। देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बड़ा महत्व है। किंतु राजनीतिक दल
प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं। राजनीतिक दल की जो प्रणाली है उसके अंदर कई कमियां भी होती है और इनके कारण लोकतंत्र में क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, यानी दोष आ जाते हैं। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके निर्माण के पीछे जो उद्देश्य होता है वो है राष्ट्रहित, और वो जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां और कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह क्या करते हैं, दल भक्ति को महत्व देते हैं। राष्ट्रभक्ति को तो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और केवल अपने जो राजनीतिक दल है उसकी भक्ति को ही महत्व देते हैं। आगे है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। देखो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली क्या है, सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है। जो लोकतंत्र है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, जब इसके हम गुणों को पढ़ते हैं तो लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। लेकिन व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है, ये बात बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब लोकतंत्र शासन में असफलताएं प्राप्त होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों और अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी क्या करती है, उत्तरदायी ठहराती है और उसको अनुत्तरदायी बताती है। किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। देखिए अब अगला कमी क्या है लोकतंत्र की, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। क्या करते हैं, सार्वजनिक धन का अपव्यय करते हैं और समय का भी अपव्यय होता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में और कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है। जब नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, इसके लिए बैठकों का आयोजन करना पड़ता है तो इसमें काफ़ी समय और धन की बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा और व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। जितने भी कार्य संपन्न होते हैं उसके लिए व्यवस्थापिका के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उसमें धन का और समय और धन का व्यय होता है। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली है। लोकतंत्र यानी बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। इसी प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है। जब चुनाव होते हैं तो काफ़ी सारा पैसा व्यय होता है, समय भी बर्बाद होता है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। जो गरीब देश है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ऐसे देशों के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम सफल नहीं मान सकते। अगली जो लोकतंत्र की कमी है वो है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। जब चुनाव होते हैं तो अधिकांश मतदाता तो वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करते नहीं हैं, इसीलिए जो मतदान का प्रतिशत है वो कम रहता है। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50-60% के बीच ही मतदाता भाग लेते हैं। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के देखो, विधानसभा के देखो, चाहे हम ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकाय के चुनाव देखें, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा 60% से ज़्यादा मतदाताओं की भागीदारी नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन को अपना नहीं मानती है। अगर अपना मानती तो मतदान प्रतिशत क्या होता, बढ़ता, 60% से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता था।
इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य और अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। देखो, जब सभी मतदाता अगर मतदान नहीं करेंगे तो जो अयोग्य प्रतिनिधि है उनको चुनना वो चुने जाते हैं। अब संकट काल में, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है और इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। अगला है, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोकतंत्र है वो क्या है, वो शांति का समर्थक, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है, यानी क्या करता है, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाता है और युद्ध की स्थिति पैदा करता है। अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था, लेकिन यद्यपि वर्तमान में यूरोप में समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध और राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका और एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावी कर रहे हैं। विचारकों का मत है कि धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।